करें अभ्यास और कितना रियाज। इस टॉपिक में ऑलरेडी एक वीडियो है YouTube चैनल पर हमारे, मगर फिर भी यही सवाल आ रहा है, तो पर्टिकुलर इसी सवाल पर मैं अभी ये वीडियो दे रहा हूँ कि कितना अभ्यास करना है और कितना रियाज करना है। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। या फिर ये कह लो कि एक सवाल ये भी है कि एक लेसन को कब तक अभ्यास करना है, यानी एक एपिसोड को, एक अलंकार जो उस एपिसोड में सिखाया उसको कितना अभ्यास करना है। तो देखिए, बात ये होती है कि जो प्रैक्टिस है वो आपकी कैपेसिटी पर निर्भर करती है, समझ रहे हैं, और सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मैंने बोल दिया कि ये पर्टिकुलर एक अलंकार है, इसे दो दिन करना है तो दो दिन ही लगेंगे आपको, नहीं ऐसा नहीं है। वो काम अगर मान लीजिए एक एक घंटा आप रोज करें ना तो दो दिन का है, लेकिन अगर दो ही घंटा एक दिन में कर लिया तो वो तो एक ही दिन का हुआ ना, है कि नहीं। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है और ये डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पर कि आप कितना जल्दी उसे ग्रैस्प करते हैं, कितना जल्दी अभ्यास कर लेते हैं उसका, ठीक है। मेंटली तो आप उस चीज को समझ गए, मान लीजिए मेंटली समझने में तो आपको कुछ सेकंड लगे, लेकिन फिजिकली हाथ में तैयार करने के लिए, गले में तैयार करने के लिए हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, है ना। तो ये डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी के ऊपर, आपकी एबिलिटी के ऊपर कि आप उस लेसन को कब तक कर लेंगे। मान लीजिए आपको मैंने बोला एक एपिसोड है सारेगामापधनिसा, पहला अलंकार है इसमें, अब आप सोचते हैं कि इसे कब तक करें, है ना। तो फिक्स नहीं है कि मैं कह दूं अगर कि ये एक अलंकार है ये आपको एक हफ्ते तक करना है तो एक हफ्ते तक ही करना है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है वही अलंकार करने में आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, समझ रहे हैं, मैं ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन होता है क्योंकि कई बार है कि नहीं समझ आ रहा है तो आप करते रहेंगे उसमें लय ही नहीं बैठ रही, आप एक ही अलंकार को अलग अलग ढंग से ले रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो एक अलंकार आपने 6 महीने में किया, किसी ने वही अलंकार 3 महीने में किया, किसी ने 2 में, किसी ने 1 में, कैपेसिटी अलग अलग है सबकी, ठीक है। ये मैं अभ्यास की बात कर रहा हूं अभी फिलहाल, कि मान लीजिए हमने जो सिलेबस दिया है 10 पेज बजाने हैं, 10 थाटों में बजाने हैं, 12 स्केल से बजाने हैं। अब कोई कहता है कि उसे मैं कब तक कर लूंगा, एवरेज कुछ नहीं होता है यहाँ पे, जब प्रैक्टिस पे आते हैं तो एवरेज कुछ नहीं होता है, होती है तो सीधी सी ये चीज आप कितना करते हैं। हो सकता है वही 1200 पेज कोई हमारा स्टूडेंट 1 महीने में करके चला गया हो, और हो सकता है उसी को किसी को करने में 1 साल लगे, डिपेंड करता है ना आप एक दिन में कितना अभ्यास करते हैं, तो आपकी कैपेसिटी भी है। और कई बार ऐसा भी होता है हम अभ्यास भी खूब ज्यादा करते हैं लेकिन तो भी नहीं आता है, वो भी डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पर कि आप उस चीज को समझ कितना पा रहे हैं, ग्रास्प कितना कर पा रहे हैं, आपकी माइंड कितना शार्प है, है ना, कितना जल्दी आपने उस चीज को पकड़ा है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल है कि भाई 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों के दोनों 12th में हैं और दोनों 12th पास्ड हैं, मान लीजिए दोनों ने 12th पास करी है, दोनों के पास सेम परसेंटेज की डिग्री है मगर नॉलेज दोनों के पास अलग अलग है, तो भी उन दोनों में से एक सुपीरियर है और एक डाउन है थोड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने ज्यादा एक्सपीरियंस लिया उन्हीं 12 सालों में जिसमें वो भी साथ में पढ़ा, दोनों साथ में पढ़े, दोनों की डिग्री सेम है, दोनों के पास किताबी ज्ञान पूरा है, बराबर है, उतना है जितना 90% अगर मान लीजिए एक का है तो दूसरे का भी उतना ही है, लेकिन तब भी वो एक है जो उससे सुपीरियर है। उसने क्या ऐसा खास किया होगा, है ना, एक्सपीरियंस उसने ज्यादा लिया, एक्सपीरियंस उसने चीजों को जल्दी समझा, उसकी माइंड की कैपेबिलिटी अलग है। तो आप किसी भी को कंपेयर नहीं कर सकते एक दूसरे से कि भाई मैंने अगर 1-6 महीने में ये पर्टिकुलर चीज करी है तो ये भाई ये भी 6 महीने में ही कर लेगा या कोई और भी 6 महीने में ही कर लेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, तो ये सवाल नहीं आना चाहिए कि हम एक लेसन को कब तक अभ्यास करें। 2 स्टूडेंट्स को मैंने साथ में एक अलंकार सिखाया है, किसी ने उसको कर दिया उसी समय कर दिया तो मैंने उसको दूसरा दे दिया, और दूसरे ने उसको अभी तक नहीं किया तो अभी तक वो पहला ही कर रहा है। तो डिपेंड करता है ना, आप नहीं कह सकते कि कौन कितना जल्दी कर लेगा, वो आपकी कैपेसिटी पर है, आपकी एबिलिटी पर है, ठीक है। अब बात आती है रियाज की, कि कहते हैं कि बड़े कलाकार तो 14-14 घंटे 13-13 घंटे रियाज करते थे। एक्चुअली में देखा जाए तो अगर आप संगीत प्रवाह से जुड़े हैं तो हमने जो रियाज की डेफिनेशन बताई है वो अलग है और जो कलाकार करते थे वो अलग है, ठीक है। वहां तो वो बड़े ख्याल को ले लेते थे किसी भी राग के पर्टिकुलर और उसका विस्तार करते थे, इसीलिए 14-14 घंटे ठीक है बैठे हुए,
लेकिन हमारा जो रियाज है पर्टिकुलर वो 4 से 7 का 3 घंटे का ही है और मोर देन इनफ है, उसमें सब टेक्निक्स आ गई, रेंज बढ़ानी है, स्वर विस्तार है, ठीक है, शब्दों की स्पष्टता लानी है, 12 खड़ी है, ओंकार है उसके 5 संधि विच्छेद कर रखे हैं वो इसको करना है, बीज मंत्र है, अलंकार है, गमक नीड सबके लिए उसमें आ जाता है, आपकी गलन की हरकतें सब उसमें आ जाती है, ठीक है। अब उसे स्टार्टिंग में तो कम ही करना है, हर वीडियो में मैं बोलता ही हूँ कि शुरुआत है तो भाई 6 से 7 करो, पूरा मत करो, 6 से 7 में सिर्फ ओम करो 1 घंटा, उसके बाद धीरे धीरे उसी 1 घंटे में आप 12 खड़ी जोड़ो, है ना, फिर उसी 1 घंटे में अलंकार जोड़ो, उसके बाद थोड़ा समय बढ़ाओ, बीज मंत्र करो, समय बढ़ाओ, स्वर विस्तार करो, स्वर विस्तार भी आपकी कैपेसिटी पर है भाई, मैंने तो पूरा बता दिया पूरे हारमोनियम का, लेकिन आपकी कैपेसिटी है कि भी ऊपर के ऋषभ तक, कोमल ऋषभ तक और नीचे के कोमल धवल तक ही है तो उतना ही करना है आपने, ठीक है, तो वो कैपेसिटी है वहां भी, तो डिपेंड करता है हर चीज, अभ्यास और रियाज आपकी कैपेसिटी पर है कि कितना और कब करना है, ठीक है। बाकी देखा जाए तो मान लीजिए आपकी रेंज बढ़ गई, अब आपकी रेंज ज्यादा है, 3 घंटे में नहीं हो पा रहा है आपका, तो आप 3 घंटे से ज्यादा भी कर सकते हो, ऐसा भी कई वीडियोज में पिताजी ने बताया है कि कोई डिपेंडेंट नहीं है रियाज का समय फिक्स नहीं 3 घंटा ही, ठीक है। आप जल्दी उठिए, सूर्य उदय से पहले करना है, जल्दी उठ जाइए अगर आपकी रेंज ज्यादा है तो, है ना, मान लीजिए आपकी रेंज सिर्फ रेंज का रियाज करने में, स्वर विस्तार करने में ही आपको ज्यादा समय लग जाता है, अप्रॉक्स 1.5 घंटा तो उसी में जाता है, तो बचा 1.5 घंटे में आप अगर वो अलंकार नहीं हो पा रहे हैं, आपका सब नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा जल्दी उठ जाइए और जल्दी करिए, 3 से 7 में कर लीजिए, लेकिन डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पर कि आपका गला कब तक थकता है, कब तक चलता है, ठीक है। मैंने कह दिया कि 3 से 7 इन द सेंस ये नहीं कि 3 से 7 आप भी कर लेंगे, हर कोई 3 से 7 कर लेगा, नहीं कर सकता हर कोई, है ना। दिन में मैंने बोला प्रैक्टिस करनी है हारमोनियम पर बैठ के अलंकारों की, जो सिलेबस है वो करना है, 4 घंटे दिन में देने, 4 घंटे आपका शरीर नहीं चलता है तो नहीं करना है, अभ्यास उतना करो जितना आपका शरीर साथ दे, अभ्यास की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, और रियाज उतना करो जितना आपका गला साथ दे। आप बैठ के बजा सकते हो, आपकी मेंटल भी फिटनेस है उतनी कि हाँ 4 घंटे में एक जगह फोकस करके हारमोनियम पे अलंकार बजा सकता हूं तो करिए, लेकिन अगर 4 घंटे आप नहीं कर सकते, जरूरी नहीं है किसी का देखा देखी आप भी करना शुरू कर दें कि भाई वो तो 4 घंटे करता है शायद इसीलिए उसका इतना अच्छा है और मैं 2 घंटे करूंगा तो अच्छा नहीं, नहीं। एक और चीज, छोटी सी पॉइंट बताऊंगा, ये एक्सपीरियंस से पॉइंट आता है कि कई बार क्या होता है, आपका अभ्यास करने का समय रिड्यूस हो जाता है एक्सपीरियंस के साथ साथ। मान लीजिए 1 साल पहले अगर आप 4 घंटे किसी पर्टिकुलर चीज का अभ्यास करते थे तब जाके वो आती थी, तो विद इन 1 ईयर आपका इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि वही पर्टिकुलर चीज आप 2 घंटे में करेंगे तो भी आ जाएगी। आज मैं मेरा ही एग्जांपल लूं कि मैं पहले कोई चीज करता था तो भाई मेरे को ज्यादा अभ्यास करना पड़ रहा है उस पर्टिकुलर चीज का, उसको समझने में भी, तो मैं बार बार बजा रहा हूं बार बार, तब जाके वो चीज आती थी एंड एवरेज स्टूडेंट की तरह। लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे उसमें एक्सपीरियंस बढ़ रहा है तो मुझे ज्यादा उसके तरफ फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं थोड़ा सा बजाता हूं और वो चीज अपने आप बनने लगती है, फिर मैं ऑटोमेटिक हाथ उसमें सेट हो जाता है, ठीक है। तो आपके अभ्यास का समय एक्सपीरियंस के साथ रिड्यूस हो जाता है, इस चीज को समझे, है ना। और आपने कई बार देखा होगा, कई बार आपने कई लेजेंडरी कलाकारों की वीडियोस में देखा होगा, मैंने देखा है कि बड़े बड़े कलाकार 2 साथ में बैठे हैं, मान लीजिए एक पिता और बेटा बैठा है और वहां पे ऑन द स्पॉट उन्होंने कोई चीज अभी बनाई और बजाई और वो वहां पकड़ लेते हैं उस चीज को, तो उन्होंने कहां किया उस चीज का अभ्यास, बताइए, है कि नहीं, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स उनका वो अभ्यास का टाइम रिड्यूस हो गया कि नहीं, दैट इज एक्सपीरियंस। वो समझ गए कि हाँ पर्टिकुलर ऐसी चीज है, ये ऐसे बजेगी, तो ये वाली बात है कि एक्सपीरियंस के साथ आपका वो रिड्यूस हो जाता है टाइम लिमिट, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखें, रियाज और अभ्यास आपकी कैपेसिटी के अनुसार है, कोई कंपैरेटिव आप नहीं कर सकते हो, कोई एवरेज नहीं होता है इसमें, तो इस चीज का ध्यान रखें और सीखें अच्छे से। संगीत प्रभा वर्ल्ड के एपिसोड्स को अगर आप फॉलो करें तो आप ढंग से सीख सकते हैं, वरना सीखने में तो ये रैंडम वीडियोस हम अपलोड करते ही है, और आप कोई सा भी वीडियोस देख लें और आप सोच लें कि इससे मैं फटाफट से कुछ सीख लूं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हारमोनियम टेक्निक्स में अपलोड करता हूं तो उसमें भी यही आता है कि अरे ये हमसे हो नहीं रही है, ये हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो वो तो होगा ही ना, जब तक आप अलंकार थाट स्किल्स नहीं करेंगे या हारमोनियम टेक्निक्स आपके काम की नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे उन्हें, ठीक है। जब तक लय ताल का अच्छे से अभ्यास नहीं होगा तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, है ना। कई कोट्स हैं जो पिताजी देते हैं जिसमें फेसबुक पे भी ट्विटर पे भी यहाँ लिखा हुआ है कि लय में बंधी चीजों को जानने या सीखने से पहले या सिखाने से भी पहले, ये टीचर्स के लिए भी है कि लय में बंधी चीजों को जानने सीखने सिखाने से पहले लय को समझना जरूरी है ना। ये सारी चीजें लय में बद्ध हैं, लय निबद्ध हैं सारी चीजें, वेदर अलंकार है, कोई बंदिश है, कोई राग है, कोई ख्याल है, कोई हारमोनियम टेक्निक है, सब लय में बंधी हुई है। तो उनको जानने सीखने सिखाने से पहले लय को समझना जरूरी है, तो लय को समझें,
उसके बाद ये सारी चीजें करें और अभ्यास रियाज अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक इस वीडियो में। तो जुड़े रहे हमारे चैनल से और जो स्क्रीन पे आपका नंबर आ रहा है व्हाट्सएप का नंबर है, कॉन्टैक्ट करिए, वहां पे प्रोसीजर आपको मालूम पड़ जाएगा सीखने का कैसे है। और हमारी किताब अगर आप मंगाना चाहते हैं, साइड में फोटो आ रहा है, इस किताब को भी आप मंगा सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, पीडीएफ आपको मिलेगी, हार्ड कॉपी में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अब लास्ट में लाइक कमेंट करें इस वीडियो पर और शेयर करें इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और जुड़े रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड से।